Hey, hello everyone, happy on this side and welcome back to my channel. जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मेरा पहला सोलो ब्लॉग है और हम तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, झारसुगड़ा से 10 किलोमीटर दूर पूर्णा करके एक ठो गांव है और ये जो पूर्णा गांव है उसके पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वहाँ से ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छी दिखता है और पास में वेदांत का हमारा एल्यूमिनियम प्लांट भी है, उसको भी मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। और हम यहाँ पे ब्लॉगिंग तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम आज यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। तो आपको बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा और मेरे साथ मिलके थोड़ा सा कंपनी देने का कोशिश करिएगा। और थैंक यू सो मच। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको एक बात भूल गया, हम हमारा बैग भी लेके आए हैं तो हम उसको लेके जा रहे हैं। उसमें हम हमारा क्या क्या चीज़ सब लेके आए हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा हम वो रास्ता फाइंड कर रहे हैं, वो छोटा सा रास्ता है ऊपर जाने के लिए जो रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा तो हमको चलना पड़ेगा ऊपर। हम हमारा गाड़ी वहाँ पर पार्क किए हुए हैं तो गाड़ी हम नीचे रखेंगे और हम जाएंगे ऊपर। तो हम वो रास्ता फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको वो नज़ारा कितना अच्छा दिखता है वो रोड पे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे कि हम ये वाला रास्ता फाइंड किए हैं, पता नहीं ये मैं एक बार यहाँ पे मैं आया था, ऊपर गया था एक बार, उस टाइम तो ये वाला रोड नहीं था, लेकिन मैं भी ये वाला रोड हो मुझे लगता है कि यही वाला रोड है। सो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो दूसरे, इधर बाय करना है इधर सेल करना है, कोई तो एक करना है, लेकिन पहले तो चेक करेंगे, देखेंगे रास्ता कहाँ जाता है, कैसे बिहेव कर रहा है हमारे साथ ये रोड। तो ये जंगल भी थोड़ा बड़ा है, हैंग ऑन। जैसे कि आप लोग अभी नेचर का वॉइस थोड़ा थोड़ा सुन पा रहे होंगे, पंछी बर्ड्स लोगों का दो वॉइस है थोड़ा थोड़ा सुन पा रहे होंगे। सारा ग्रीन पत्ता आया हुआ है जंगल में, सो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कल और परसों थोड़ा थोड़ा बारिश भी हुआ है, इसलिए अच्छा तो लगना चाहिए ऊपर। तो ये वाला ब्लॉग बनाने का प्लान जो कल रात को मेरे दिमाग में आया था, डेफिनेटली कोई जानवर वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन वो रास्ता फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अब वो ऊपर थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मे भी कहाँ पे वो रास्ता है थोड़ा सा हमको डिफाइन करना पड़ेगा। वो पहाड़ मुझे दिख रहा है वहाँ पे, जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा वो जो हाइट है ना वो वहाँ तक हमको जाना है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे वेयर इज द प्लेस वेट करेंगे, पेशेंस तो है, लेकिन थोड़ा सा हमको धूप हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है थोड़ा सा, लेकिन इसलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, जैसे कि मैं आपको और अधिक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अपना बैग भी लेके आया हूँ, इसमें क्या क्या है सामान मैं आपको जो, हाँ हमको रास्ता मिल गया है, यही वाला ही रास्ता है। तो और मेरा बैग भी थोड़ा सा भारी है, सो हम ये बोला, मुझे तो एडवेंचरियस लग रहा है, मेरा वो एडवेंचरियस ट्रिप लग रहा है और डर भी नहीं लगता है मुझे ज़्यादातर, क्योंकि आप लोग तो साथ हो ना, तो इसमें डर नहीं लगता है। सो वेट करेंगे थोड़ा, मैं आपको जैसे ही ऊपर पहुंचता हूँ तब मैं आपके साथ बात करता हूँ फिर से। मुझे लग रहा है हम पहुंचने में तकरीबन हम आधा किलोमीटर तो आ चुके हैं ऊपर, और मैं भी आधा किलोमीटर बाकी हो, आधा किलोमीटर नहीं हुआ, 200-300 मीटर होगा, हम पहुंचने वाले ही है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा पेड़ अभी नया नया पेड़ बढ़ चुका है, तो छोटा छोटा पेड़ बढ़ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा, हाँ हम डेफिनेटली आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, और वहाँ पे हम अपना
हमारा सेटअप को पहले सेट करेंगे, उसके बाद हम अपना जो बैग पैक लाए हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसमें क्या क्या लाया हूँ, और कुछ उसमें कुछ खाने के सामान भी है, पानी बोतल है, और मैं दिखाऊंगा आपको उसमें क्या क्या है। स्टे ट्यून्ड। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हाइट कितना ज्यादा है। ओह सो है गाइस, हम आ चुके हैं ऊपर और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेदांत का जो एल्युमिनियम प्लांट है यहाँ से पूरी अच्छी तरीके से दिखता है और पूरी क्लियर से दिखता है। और यहाँ पे हम ऊपर आ चुके हैं और हमारा सांस बहुत ज़्यादा फूल चुका है। तो यहाँ पे ऊपर एक मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर है और लोगों ने पत्थर को सजा के बनाए हुए हैं जैसे मंदिर बने हुए, और चारों तरफ ग्रीन ग्रीन है। एंड आई लव नेचर, मुझे नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो थैंक यू, रास्ता मिल गया बहुत जल्दी। तो वेलकम ब्लैक बैक फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हम जो हमारा बैक पैक लाए हैं उसको हम निकालेंगे पहले, उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या है। तो देख पा रहे मैं बैक पैक में क्या क्या लेके आया था। मैं एक सैमसंग का मोबाइल, मेरा जो और एक तो मोबाइल है सैमसंग का, उसमें मैं चार्ट वगैरह थोड़ा सा देखना, मतलब चार्ट वगैरह देखने के लिए लाया हूँ, चार्ट देख सकता हूँ और थोड़ा सा ध्यान में पकड़ सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैं अभी ब्लॉगिंग करूँगा ना तो ये सेल्फी स्टिक में मेरा लगा रहेगा। सो इसलिए मैं और एक मोबाइल लेके आया हूँ, और क्या पता चार्ज बहुत ज़्यादा हीटिंग है तो चार्ज बहुत ज़्यादा रिलीज ड्रेन हो सकता है। तो इसलिए मैं मेरा एक पावर बैंक भी लेके आया हूँ जो 10,000 एमएच का है, और मैं मेरे साथ हमेशा एक डायरी और एक पेन भी पकड़ता हूँ, और डाटा केबल, ये टाइप सी पोर्ट एंड माई सनग्लासेस। तो बस इतना ही है। और एक मज़ेदार चीज़, जैसे कि मैं मेरे साथ ये पीनट्स भी लेके आया हूँ, और एक थोड़ा बॉल भी लेके आया हूँ, और मैं मेरे साथ टिफ़िन भी लेके आया हूँ। टिफ़िन में है मेरे साथ बड़ा, और तो है एवरीवन। तो है फ्रेंड्स, जैसे कि हम हमारा बैग पैक कर चुके हैं और हम नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। धूप बढ़ चुका है क्योंकि दोपहर हो चुका है, 12:30 से ज़्यादा हो चुका है। सो यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और हमको रोड जो नहीं मिल रहा था वो मिल चुका है, रोड उसी रोड की तरफ जाके मैं जैसे मैं वीडियो को ऑन करूँगा नीचे जाके। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, इतना देर आपके कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये ढलान इतना नीचे है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो
हम नीचे आ चुके हैं रास्ते बस जो हाईवे है हम हाईवे के साइड में बस जाने वाले हैं।